अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, अशिया की मजमूई तलब, रसद और इकानमी के अंदर ठहराव और इस्तकाम हो। आज का जो हमारा ये टॉपिक है एडवांस टॉपिक है, PPSC के एग्ज़ाम में 2 या 3 MCQs आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन मॉनेटरी वेजेस इंक्रीज, जब ज़रूरी उजरतों में इजाफा होता है इन क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई सिस्टम। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई सिस्टम के मुताबिक प्राइसेस वेल अशिया की कीमतें होंगी। ऑप्शन नंबर 1, राइस फॉल बिकम 0 रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है राइस। इन क्लासिकल सिस्टम व्हेन वेजेस इंक्रीज़, जब उजरतों में इजाफा होता है इक्वल टू इंक्रीज़ इन प्राइसेस, यानी बराबर बढ़ती हैं अशिया की कीमतों के रियल वेजेस। ऑप्शन नंबर 1, राइस फॉल बिकम 0 रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है रिमेन सेम, यानी यकसां रहती हैं। द क्लासिकल सप्लाई कर्व, ऑप्शन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है वर्टिकल, यानी जो खत रसद होता है वो उफकी होता है। व्हेन रियल वेजेस रिमेन सेम, जब हकीकी उजरतें यकसां रहती हैं। द एम्प्लॉयमेंट वेल, जो रोज़गार की सतह होगी। ऑप्शन नंबर 1, राइस फॉल रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रिमेन सेम। डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज, जब मजदूरों की तलब में इजाफा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। एज ए रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेल, मतलब फर्म का क्या नफ़ा होगा। ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंक्रीज। ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, जब नई टेक्नोलॉजी आती है इकानमी के अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन, जो पैदावार का तफाउल है। ऑप्शन नंबर 1, शिफ्ट्स अपवर्ड, शिफ्ट्स डाउनवर्ड, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है शिफ्ट्स अपवर्ड, यानी जो पैदावार का खत है वो ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाता है। व्हेन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, जब पैदावार और रोज़गार में इजाफा होता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, जब मज़दूरों की तलब बढ़ती है। द वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व वेल, ऑप्शन नंबर 1, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, यानी दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। द वेजेस आर रिजिड डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ, ऑप्शन नंबर 1, मिनिमम वेजेस लॉज, ट्रेड यूनियन, मनी अलूजंस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। द कीन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कीन्जियन के मुताबिक जो मजमूई रसद का खत है। ऑप्शन नंबर 1, फॉल्स डाउनवर्ड, इज वर्टिकल, राइजेस अपवर्ड, इज हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है राइजेस अपवर्ड, यानी खत रसद ऊपर की जानिब मुंतकिल होता है। व्हेन रियल वेजेस इंक्रीज, जब हकीकी उजरतों में इजाफा होता है। द एम्प्लॉयमेंट इन कीन्जियन सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन नंबर 1, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेबर, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है डिमांड फॉर लेबर, यानी मजदूरों की तलब।
एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल जब खत रसद मतवाजी होता है, व्हेन वेजेस एंड प्राइसेस उजरत और जो अशिया की कीमती होती हैं इन शॉर्ट रन और अरसा कलील में, ऑप्शन नंबर वन वेरिएबल वेरी हाई फिक्स्ड ज़ीरो, ऑप्शन नंबर थ्री आंस है, यानी अशिया की कीमतें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, साकिन होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, बिकॉज ऑफ स्टिकी वेज डाउनवर्ड देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन रियल वेजेस हकीकी उजरतें, ऑप्शन नंबर वन डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर टू आंस है, इंक्रीज यानी जो रियल वेजेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज मजमूई रसद का खत ज़ाहिर करता है, द पेयर्स ऑफ जोड़े पी एंड वाई प्राइस एंड इनकम कॉन्सिस्ट विद प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर वन मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ द फर्म मिनिमाइजेशन कंडीशन ऑफ द फर्म बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर वन आंस है मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ द फर्म। व्हेन टैक्सेस आर डिक्रीज जब टैक्सेस कम होते हैं, ऑन द लेबरिंग क्लास जो मजदूरों की क्लास होती है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर थ्री आंस है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू लेफ्ट यानी बाएं जाने मुंतकिल हो जाता है। इफ़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियां आती हैं, शिफ्ट प्रोडक्शन फंक्शन जो पैदावार का तफाउल है वो मुंतकिल होता है अपवर्ड ऊपर की जानिब, दी शॉर्ट रन एग्रीगेट विल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर वन अपवर्ड डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर फोर आंस है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व है वो दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है टू राइट। ऑन द बेसिस ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा सरमायाकारी की जाती है, इफ़ स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रोथ दी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वेल शिफ्ट टू राइट टू लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर वन आंस है टू राइट, यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज़ वर्टिकल एज इट्स रिप्रेजेंट्स पेश करते हैं द लेवल ऑफ रियल जीडीपी हकीकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सप्लाइज्ड एट डिफरेंट, ऑप्शन नंबर वन नॉमिनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रॉस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रियल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर फोर आंस है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द पोटेंशियल लेवल ऑफ जीडीपी रिप्रेजेंट्स पेश करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ के इकानमी के अंदर मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल पाई जाती है, ऑप्शन नंबर वन लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर फोर आंस है ऑल ऑफ दीज। द मूमेंट अलोंग ऑन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई विल टेक प्लेस इफ रियल वेजेस वेल राइज फॉल रिमेन सेम नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर टू आंस है फॉल यानी हकीकी उजरतें गिर जाती हैं। द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई विल बी वर्टिकल व्हेन मॉनेटरी वेजेस इंक्रीज जब हकीकी उजरतों में इजाफा होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज इन प्राइसेस डिक्रीज इन प्राइसेस इंक्रीज इन इनकम डिक्रीज इन इनकम, ऑप्शन नंबर वन आंस है इंक्रीज इन प्राइसेस जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। व्हेन द रियल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
ऑफ द इकानमी इंक्रीज, जब जीडीपी किसी भी मुल्क की इकानमी इंक्रीज़ करती है, बोथ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोस अशा की मजमू तलब का खत ज़ाहिर करता है द पेयर्स ऑफ पी एंड वाई वेयर रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर 1 डिमांड फॉर कमोडिटी, डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर मनी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है डिमांड फॉर मनी, यानी ज़र की तलब। नॉर्मली एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, आम तौर पर जो मजमूई तलब का खत है उसको झुकाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिवली, नेगेटिवली, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है नेगेटिवली। कीन्स इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ लोअर प्राइस ऑन। ऑप्शन नंबर 1 रियल मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज अशा की मजमू तलब का खत ज़ाहिर करता है द अमाउंट ऑफ नेशनल आउटपुट, पूरी कौम की पैदावार को, विच विल बी परचेस्ड एट ईच पॉसिबल। ऑप्शन नंबर 1 प्राइस लेवल, इनकम लेवल, वेल्थ लेवल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है प्राइस लेवल। बिकॉज ऑफ राइस इन प्राइस लेवल, जब अशा की कीमतें बढ़ती हैं द प्रोड्यूसर जो आजर हजरात होते हैं फॉल टू परचेज कैपिटल गुड्स विच इज़ कॉल्ड इंटर टेम्पोरलर। ऑप्शन नंबर 1 प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी इस्तबदाली असर। ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, जब अशा की कीमतें बढ़ती हैं दी रियल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट फॉल्स विच इंड्यूस पीपल टू रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, जो लोग होते हैं अपनी सरफी अखराजात को कम कर देते हैं, एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 पीगो इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, कीन्स इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है पीगो इफेक्ट। द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज अशा की मजमू तलब खत ज़ाहिर करता है हाउ एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकानमी चेंज, जब इकानमी के अंदर एक्सपेंडिचर तब्दील होते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल, नतीजे के तौर पर अशा की कीमतें भी तब्दील होती हैं। वेल देयर आर गिवन, ऑप्शन नंबर 1 ऑटोनोमस इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, मनी सप्लाई, फिक्सल पॉलिसी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। इफ एलएम इज लेस इलास्टिक, एलएम जो खत है वो कम लचकदार है, एंड आईएस इज मोर इलास्टिक, आईएस जो खत है वो ज़्यादा लचकदार है, देन द रिजल्टिंग नतीजा, नतीजे के तौर पर एग्रीगेट डिमांड कर्व विल बी, जो अशा की मजमू तलब का खत है। ऑप्शन नंबर 1 मोर स्टीपर, लेस स्टीपर, मोर फ्लैटर, लेस फ्लैटर। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है मोर फ्लैटर। इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लो एंड डिमांड फॉर मनी, जो ज़र की तलब है, इज़ मोर सेंसिटिव टू चेंज इन इनकम, जब आमदनी में तब्दीली वाक़ होती है, द एग्रीगेट डिमांड विल बी, अशा की मजमू तलब का खत होगा। ऑप्शन नंबर 1 मोर रिजिड, लेस रिजिड, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है मोर इलास्टिक, यानी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है वो ज़्यादा लचकदार होता है। द क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ ए फंक्शन ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 मनी डिमांडेड, मनी सप्लाई, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी सेव्ड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है मनी सप्लाई, यानी ज़र की रसद। द कीन्जियन एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ ए फंक्शन ऑफ। कीन्जियन के मुताबिक जो अशा की मजमू तलब का खत है इज़ ए फंक्शन ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 मनी सप्लाई,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रेस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम टेक प्लेस व्हेन। ऑप्शन नंबर 1 शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। आंसर है इन क्लासिकल मॉडल के मुताबिक इफ़ द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इंक्रीज, जब मजदूरों की रसद में इजाफा होता है, रियल वेजेस वेल हकीकी उजरतें होंगी। ऑप्शन नंबर 1 फॉल, इंक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है फॉल, यानी हकीकी उजरतें गिर जाती हैं। इन क्लासिकल मॉडल के मुताबिक इफ़ मनी सप्लाई इज़ इंक्रीज, जब ज़र की रसद में इजाफा होता है, रियल वेजेस वेल हकीकी उजरतें होंगी। ऑप्शन नंबर 1 फॉल, इंक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रिमेन सेम। इन क्लासिकल मॉडल के मुताबिक इफ़ दी प्राइस ऑफ नेसेसरी, यानी जो अशा की कीमतों के लिए ज़रूरी है, रॉ मटेरियल डिक्रीज, जब खाम माल में कमी वाक़या होती है, द डिमांड फॉर लेबर, जो मज़दूरों की तलब है, ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल के मुताबिक इफ़ डिमांड फॉर मनी, जो ज़र की तलब है, बैलेंस इंक्रीज, बढ़ता है, द रियल आउटपुट वेल। ऑप्शन नंबर 1 फॉल, राइज, रिमेन सेम, नन, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रिमेन सेम। द मोनिट्री वेजेस, जो ज़री उजरतें हैं, इन कीन्जन मॉडल आर। ऑप्शन नंबर 1 फ्लैक्सीबल, वेरिएबल, फिक्स्ड, रिजिड। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है फिक्स्ड। द रियल वेजेस वेल इंक्रीज, जब हकीकी उजरतों में इजाफा होता है, इन कीन्जन मॉडल के मुताबिक, व्हेन प्राइस फॉल ड्यू टू, जब अशिया की कीमतें गिर जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, हाई इनकम, लो इनकम। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है एक्सेस सप्लाई। इन कीन्जन मॉडल के मुताबिक द लेवल ऑफ इनकम, जो आमदनी की सतह होती है, वेल मूव टू अबव फुल एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन टैक्सेस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब हुकूमत के जो सरफी अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। इन कीन्जन मॉडल के मुताबिक ड्यू टू राइज इन डिमांड फॉर लेबर, जब मजदूरों की तलब में इजाफा होता है, रियल वेजेस वेल बी हकीकी उजरतें होंगी। ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज, इंक्रीज, बिकम ज़ीरो, रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंक्रीज। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जब खाम माल की कीमतों में कमी वाक़या होती है, इन कीन्जन मॉडल के मुताबिक, रियल वेजेस वेल बी हकीकी उजरतें होंगी। ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंक्रीज। इन लिक्विडिटी ट्रैप्ड, यानी नकदियाती फंदे के तहत, व्हेन प्राइसेस फॉल, जब अशिया की कीमतें गिरती हैं, ड्यू टू आउटपुट इन मॉनेटरी वेजेस इकॉनमी वेल। ऑप्शन नंबर 1 इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिवेल्यूएशन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इकॉनमी के अंदर बेरोजगारी की सूरत हाल पाई जाती है। व्हेन द नॉमिनल मनी,
सप्लाई इज़ फिक्स्ड एंड ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, यानी जब अशा की कीमतें गिर जाती हैं, दी रियल मनी सप्लाई इंक्रीजेज, जो हकीकी ज़र है उसकी रसद बढ़ जाती है, दैन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेल ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम ज़ीरो, रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर टू आंसर है डिक्रीज, यानी शरह सूद की सतह गिर जाती है।